हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडवांस एक्सेल में आज हम सीखेंगे काउंट सीरीज की फंक्शंस। काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, ये फंक्शंस आज हम करते हैं। तो देखिए, काउंट ब्लैंक फंक्शन जो होता है वो ओनली न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करता है। प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। काउंट, हमने यहाँ से यहाँ तक इसे काउंट किया, ए टू से ई थ्री तक, उसके बाद एंटर की हिट किया। तो देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, 10 आंसर आना चाहिए था, बट इसका जो आउटपुट आया है वो कितना आया है, 8। वाई? बिकॉज काउंट फंक्शन ओनली काउंट्स न्यूमेरिक सेल्स। अगर हम यहाँ किसी से डिलीट कर देते हैं किसी सेल की वैल्यू, तो इसका आउटपुट कितना हो गया, 7, 6। इट मीन्स काउंट फंक्शन क्या करता है, न्यूमेरिक सेल्स को ही काउंट करता है, नॉन न्यूमेरिक सेल्स और ब्लैंक सेल्स को काउंट फंक्शन काउंट नहीं करता। ये है हमारा काउंट फंक्शन। उसके बाद है इसमें काउंटा। काउंटा फंक्शन क्या करता है, इट काउंट्स न्यूमेरिक सेल्स एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक सेल्स एक्सेप्ट ब्लैंक सेल्स। तो काउंटा फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक सेल्स और नॉन न्यूमेरिक सेल्स दोनों को काउंट करेगा, बट ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करेगा। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। काउंटा, अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसे लगाया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, तो यहाँ से यहाँ तक लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया, तो इसका आउटपुट कितना आया, 13, क्योंकि इसने ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं किया। जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो देखिए कितना हो गया, 12, और इसको डिलीट कर दिया तो कितना हो गया, इसे डिलीट कर देंगे तो कितना हो गया, 11। तो ये क्या करता है, काउंटर न्यूमेरिक सेल्स और नॉन न्यूमेरिक सेल्स दोनों को काउंट करता है, बट ब्लैंक सेल्स को ये भी काउंट नहीं करता। ये भी का मतलब काउंट फंक्शन भी काउंट नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन ओनली ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करेगा। देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक अगर इसमें रेंज पास करें तो ये ब्लैंक सेल्स कितनी बता रहा है, 4, 1, 2, 3, 4, और कोई ब्लैंक सेल इंक्रीज करते हैं तो कितना हो गया, 5, और कुछ अगर हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे तो क्या दिखा देगा ये ब्लैंक सेल, 0। देखिए, अब ब्लैंक सेल 1 आ रही है, और जैसे ही हम इसमें टाइप कर देंगे तो ब्लैंक सेल कितनी हो गई हमारी, 0। अब आता है हमारे पास काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ फंक्शन को हम ऐसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें देखना है कि टोटल पास कैंडिडेट्स, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं काउंट इफ, और ये जो काउंट इफ फंक्शन होता है इसमें कंडीशन लगती है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे लिखा है मैंने इसे, रेंज, तो रेंज हमने जैसे ये पास कर दी B2 से B7, और हमें ये देखना है कि हिंदी में कितने स्टूडेंट्स पास हैं, और जो पासिंग का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, पास क्राइटेरिया वो रखा गया है जिनके ग्रेटर देन 40 हैं, डबल कोट्स में हमें क्राइटेरिया लिखना है। तो ये हमें बताएगा कि कितने हैं, 6, जबकि कैंडिडेट कितने हैं, 7। अगर हम किसी के मार्क्स कम कर देते हैं तो देखिए अब पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 हैं।
इसी तरह से अगर हमें फेल स्टूडेंट्स का मार्क संख्या देखनी हो तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल फेल कैंडिडेट्स, फिर लगाएंगे हम इसमें काउंट इफ कंडीशन लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि जिनके लेस देन 40 हैं वो कितने कैंडिडेट्स हैं, तो वो हैं 2 और टोटल कितने हैं 7। तो इसी तरह से हम बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं हम इसमें, फ्रीक्वेंसी कि 22 कितनी बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी भी चेक करते हैं हम इससे। जैसे फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हमने लगाया इसमें यहाँ पर काउंट इफ, और रेंज हमने डाल दी कंप्लीट, उसके बाद हमें इसमें चेक करना है 22, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी बता देगा कि 22 कितनी बार आया हुआ है, उसमें 3 टाइम्स आया हुआ है। इसी तरह से हम किसी नेम की फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं। तो अगर हमें नेम की फ्रीक्वेंसी देखना है, जैसे कि हम एक नाम और लिख देते हैं, इसका नाम भी रवि कर देते हैं, दो रवि हैं हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी चेक करनी हो तो हम इसे काउंट इफ, और उसके बाद इसमें रेंज पास कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे रवि, तो ये फ्रीक्वेंसी बता देगा कि रवि कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। तो ये थे हमारे काउंट सीरीज़ के काउंट फंक्शंस, जिसमें हमने का सीखा काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। काउंट इफ्स फंक्शन अभी मैंने नहीं बताया है, जो मल्टीपल कंडीशंस के लिए लगता है, वो कमिंग वीडियोस में मैं उसे कवर करूँगा। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई ऑल लेटेस्ट वीडियोज़।